हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंजीनियरिंग कॉर्नर में एक अदद स्टीम पीआरवी लेके आए हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी कि आप स्टीम पीआरवी को रिपेयर करने के बारे में हमें बताएं। तो ये एक अदद पीआरवी आई है जो कि 2 इंच की है। इसमें जो है ये वर्किंग नहीं कर रही, जिसे आज हम मुकम्मल खोलेंगे और सर्विस करके वापस फिट करेंगे। इसमें यहाँ पर जो है एक अदद डायफ्राम लगा हुआ होता है और वो भी फट जाता है, जिसकी वजह से ये पीआरवी वर्किंग नहीं करती। दूसरा ये है कि इसके अंदर ये देखें आप, यहाँ पर एक शाफ्ट चल रही है जो कि पूरा इस गिलास के अंदर वर्किंग कर रही है, और इस जगह पे आके जो है एक सीट लगी हुई होती है, जो कि सीट इस डायफ्राम जो है, ये डायफ्राम में जो प्रेशर आता है तो उससे ये कंट्रोल हो रही होती है। तो सीट भी बाज़ मरतबा कट जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता। और जो इसमें गिलास में शाफ्ट लगी हुई होती है, ये भी बाज़ मरतबा जो है जाम हो जाती है, जिसकी वजह से ये वर्किंग सही तरीके से नहीं कर पाती। तो आज हम इसको मुकम्मल खोलेंगे और इसकी शाफ्ट वगैरह सब पॉलिश करेंगे, मुकम्मल सर्विस करेंगे, और ये वर्किंग नहीं कर रही। इसका यहाँ पर डायफ्राम भी चेक करेंगे, कहीं डायफ्राम फटा हुआ तो नहीं है। तो चलें इसको खोलते हैं। इसको खोलने के लिए यहाँ पर इसके तमाम बोल्ट जो है ये खोलने हैं। आप देख रहे होंगे कि हमने तमाम स्क्रू इसके खोल लिए, और इसको अब हम डायफ्राम चेक करते हैं। ये इसके हमने हेड के मुकम्मल बोल्ट खोल लिए, और इसमें आप देख रहे होंगे कि डायफ्राम लगा हुआ है। ये यहाँ से अगर आप इसको यूँ अलग करेंगे तो ये अलग हो जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से शेप में होगा। ये बुश जो है इस वाली पिन में जाके बैठा हुआ होता है। ये पिन जो है वो इस होल में बैठती है। ये आप देख रहे हैं कि इसका डायफ्राम फटा हुआ है। ये देखें, इसमें यहाँ से ही फटा हुआ है। तो इस डायफ्राम को चेंज करने के लिए आपको ये बोल्ट खोलना पड़ेगा। ये देखें, ये बोल्ट खोल के हमने ये निकाल लिया। इसके बाद ये एक वाशर लगा हुआ है। ये देखें आप, इसका डायफ्राम मुकम्मल फटा हुआ है, जिसकी वजह से ये पीआरवी वर्किंग नहीं कर रही। तो इसे हम मुकम्मल खोलते हैं और इसकी शाफ्ट वगैरह को भी सर्विस करते हैं और मुकम्मल असेंबल करते हैं। इसे मुकम्मल खोलने के लिए आपको ये दो नट खोलने हैं, और इसके फ्लेंच के ये 4 नट लगे हुए हैं। ये नट खोलेंगे तो आप ये इस बॉडी से ये अलग हो जाएगी। तो इसे हम खोलते हैं। ये हमने इसको इस बॉडी से अलग कर लिया। ये इसके अंदर की सीट है, और ये 4 स्टेट पे ये टाइट हुई हुई थी। ये पीआरवी की जो सीट जो है वो ये है। इसे हम फ्रंट से दिखाते हैं। ये कुछ इस तरीके से होती है। ये आपने इसको ऊपर से इस तरीके से खोल लेना है। इस तरीके से आपने इसको अलग कर लेना है। इसके बाद ये वापस आ बाद आप इसको खोलेंगे। इसके बाद आपने ये ग्लैंड कप इसका खोलना है। यहाँ से इसमें यहाँ अंदर ग्लैंड की जगह पे स्टीम रोकने के लिए बेलो लगा हुआ होता है। आप देखें, ये आपने यहाँ से खोल लिया। यहाँ पर इसमें ग्लैंड डोरी भी डलती है, और बाज़ मरतबा में यहाँ सील भी लगी हुई होती है। ये देखें, ये बेलो लगा हुआ है इसके अंदर स्टीम को रोकने के लिए। इसके बाद आपने ये खोलने के बाद इस तरफ से इसका ये नट खोलना है आपने। ये हमने पहले से लूज़ कर लिया था। ये इसकी मेन सीट है, और ये भी इसका बेलो लगा हुआ है इसमें स्टीम को रोकने के लिए, ताकि यहाँ से स्टीम जो है यहाँ बैक साइड पर नहीं जाए। ये भी इसके फट जाते हैं, बेलो इसके यहाँ से फट जाते हैं, और जिसकी वजह से स्टीम जो है यहाँ पीछे की साइड से जो ये नट लगा होता है यहाँ से लीक कर रही होती है। ये शाफ्ट हम इससे गिलास से अलग कर रहे हैं, जो कि आप देखें इसका बेलो मुकम्मल फटा हुआ है। ये इसके साथ नट में अंदर जुड़ा हुआ होता है, जो कि अलग हुआ हुआ है, ये टूटा हुआ है यहाँ से आप देखें। मगर अभी इस वक्त इसका
ये वाला बेलो बिल्कुल ठीक है, जिसकी वजह से स्टीम जो है इसकी अभी लीक नहीं कर रही थी। तो अब हम इसे मुकम्मल सर्विस करके वापस फिट करेंगे, इसका डायफ्राम चेंज करेंगे। ये बेलो अगर अवेलेबल होगा तो हम ये बेलो चेंज करेंगे, वरना इसको इसी तरीके से ही लगाना पड़ेगा। तो चलें इसको फिट करते हैं। ये इसे हमने मुकम्मल खोल लिया है, इसके तमाम पार्ट्स हमने अलग कर दिए जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम इसको फिट करते हैं। सबसे पहले हम इसका ये बेलो लगाएंगे और ये सीट वाला जो हिस्सा है ये लगाएंगे, क्योंकि इसकी सीट सही है और ये बेलो भी ठीक है। इसको आपने अच्छे से टाइट कर लेना है कि ये लीक ना करे। इसके बाद हम इसका ये बैक साइड का जो बेलो है ये लगाएंगे। और इसके बाद इसको हमने अच्छे से टाइट कर लेना है। आपने इसे टाइट कर लिया है, इसके बाद इसकी बाकी फिटिंग करेंगे। इसके बाद ये आपने इसकी स्प्रिंग को डालना है और इसकी प्लेट डालनी है। उसके बाद ये आपने इसका कटोरा ऊपर से टाइट कर देना है। इसके बाद इसे आपने चेक नट कर देना है। इसके बाद आपने इसका डायफ्राम वाला हेड लगाना है। इसके आपने दोनों साइड के नट लगा देने हैं। हम डायफ्राम लगाएंगे। डायफ्राम लगाने के लिए ये एक अदर वाशर यहाँ से आएगी और ये यहाँ से इसका बोल्ट आएगा और इसके नीचे ये वाशर आएगी। तो इसका हम डायफ्राम लगाते हैं। उसके बाद ये इसका स्टेड आ जाएगा, इसमें टाइट हो जाएगा ये। इसको आपने अच्छे से टाइट कर लेना है। इसके बाद आपने इसका हेड का कवर लगाना है। ये कवर में यहाँ से आपने सारे बोल्ट लगा के अच्छे से टाइट कर लेना है। ये इसका डायफ्राम हमने फिट कर लिया। अब इसको हम इसकी हम बॉडी पे इसको लगाते हैं। ये आपने इसकी बॉडी पे आपने लगा देना है। उसके बाद ये आपने यहाँ पर इसके नट जो है ये लगा के टाइट कर देना है। ये पीआरवी को हमने मुकम्मल फिट कर लिया है। इसे जब आप मशीन पे लगाएंगे तो वहाँ पर वाटर सील पोर्ट, जिसे हम लोग उर्दू में ढोलकी भी कहते हैं, उसमें आपने पानी भरना है। और इसका पाइप आपने इसके इस पॉइंट पर लगा देना है। इस डायफ्राम में यहाँ पर पहले पानी आएगा और उसको स्टीम प्रेस करेगी तो ये पीआरवी वर्किंग करेगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका हाइडर पे आपको ड्रैगन पे प्रेशर जो है 6 बार रिक्वायर्ड है और आपकी पीआरवी जो 3 बार दे रही है या 2 बार दे रही है, तो आपने इसको 17 के पाने से यहाँ से इसको टाइट करना है स्प्रिंग को ऊपर की तरफ, जैसा कि हम आपको करके दिखाते हैं। जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पाने से आपने इसको टाइट करना है इस तरीके से। इसका प्रेशर थोड़ी सी देर में बढ़ेगा और जैसे ही आप देखें आपका रिक्वायर्ड प्रेशर पूरा हो गया, 6 बार पे आपका गेज आ चुका है, तो आपने इसको वहाँ पर रोक देना है। अगर ज़्यादा हो जाए तो इसको आपने जो है दूसरी साइड पे, इस साइड पे आपने इसको फिर जो है लूज़ करना है। लूज़ करने पे आपका प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जब आप इसको मुकम्मल फिट कर लेंगे, आपने इसको स्प्रिंग को आपने यहाँ से इसकी जो सेटिंग है यहाँ से इसको आपने पहले 0 कर लेना है, मुकम्मल लूज़ कर लेना है। जब ये आपका स्प्रिंग लूज़ हो जाए तो आपने इस साइड पे इनलेट के ऊपर ये आपने एक फ्लेंच लगाना है जिसके अंदर ये न्यूमेटिक फिटिंग लग जाए और आपने यहाँ से इसको प्रेशर देना है। अगर प्रेशर यहाँ से इसका बाहर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी सीट ख़राब है, तो इसकी सीट वगैरह पॉलिश होगी। और अगर इसकी सीट सही है तो ये प्रेशर यहाँ से नहीं आएगा। अच्छा, इसकी हमने आपको मुकम्मल डायग्राम भी इसमें वीडियो के एंड में हमने लगाई है, जो कि इसके इस जो ढोलकी होती है वो कितने फिट पे लगेगी, इसके मुकम्मल आप इसकी डिटेल्स डायग्राम में लगी हुई होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। आप इसे लाइक करें, शेयर करें।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।